तो गाइज अगर आप फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ रहे हैं अपने वीडियोज़ के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि नो कॉपीराइट वाला म्यूजिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वेल है गाइज, माय नेम इज दीप्ति रंजन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे गाइज म्यूजिक एक बड़ा ही रोल प्ले करता है अपने वीडियोज़ में। अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के पीछे एक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक हमेशा ही चलता रहता है, जैसे कि अपना वीडियो काफ़ी एंगेजिंग लगे और जो व्यूअर होता है वो एंड तक देख सकते हैं इस वीडियो को। ऐसे में फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और कई कई बार आपको कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं, ऐसे में कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है इन फ्यूचर। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने वीडियोज़ के लिए फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको सारे प्रोसेस पता चल जाएगा। तो फिर गाइस हम आ चुके हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और आपको ओपन करना है गूगल क्रोम। आप कोई भी ब्राउजर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली सर्च कर देना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। तो अगर मैं ऑडियो लाइब्रेरी सर्च कर दूंगा तो ही हो जाएगा, यहाँ पे शो हो रहा है ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। और गाइस ये ओपन होने के बाद आपको पहला जो लिंक मिलेगा youtube.com का ऑडियो लाइब्रेरी, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ये ओपन हो जाएगा ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, बहुत सारे म्यूजिक का लिस्ट आपको मिलने वाला है। ऐसे में गाइस और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये हमारा चैनल के पेज के ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे डैशबोर्ड, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइजेशन मिलता है। सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं एक म्यूजिक का सिंबल आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी लिखा हुआ है और हमारे चैनल के पेज से ही ये डाउनलोड आपको मतलब मिल जाएगा, आपको सारे म्यूजिक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री म्यूजिक, उसके बाद साउंड इफेक्ट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं फ्री में। तो गाइस अगर आप YouTube ऑडियो लाइब्रेरी से म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो आपको कोई भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ केसेस है आगे मैं आपको बताऊंगा जहां पे आपको अपने डिस्क्रिप्शन पे क्रेडिट देने का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो यहां पे फ्री म्यूजिक साउंड इफेक्ट तो है ही और यहां पे आपको एक लेफ्ट कॉर्नर पे ये कुछ इस तरीके का सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिलता है। तो गाइस ये एक पॉपअप यानी कि फिल्टर करने के लिए ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो दो ऑप्शन है अट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी क्रेडिट, कोई भी लिंक्स अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे देने का जरूरत नहीं है। और गाइस सबसे लास्ट में अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, इसका मतलब हो जाएगा कि आप जो भी म्यूजिक यूज करोगे उस म्यूजिक का लिंक आपको अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे देना पड़ेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको फिल्टर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आता है। ट्रैक टाइटल, यानी कि अगर आपका कोई भी पसंद का म्यूजिक का टाइटल आपको पता है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जोनर आता है, ठीक है। जोनर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। एम्बिएंट, चिल्ड्रंस, सिनेमैटिक मतलब म्यूजिक मिल जाता है, क्लासिकल मिलता है, ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाला है। आप एक बार विजिट करिए और अपने अकॉर्डिंग सर्च करिए ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि कैसे होता है। और गाइज यहाँ पे जोनर सिलेक्ट करने के बाद आपको मोड का ऑप्शन आएगा, आप किस तरीके से वीडियो का ओवरऑल मोड कैसा है, ठीक है। अगर सीरियसनेस है या फिर कोई भी मतलब एक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मोड के ऊपर क्लिक करके एंग्री, ब्राइट, काम, डार्क, ड्रामेटिक, फनी, हैप्पी, इंस्पिरेशनल, ऐसे ही कुछ बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद आता है आर्टिस्ट नेम। अगर आप कोई भी क्रिएटर का नाम जानते हैं जो म्यूजिक क्रिएट करते हैं, उनका नाम भी सर्च करके म्यूजिक फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कितने टाइम, 2 मिनट का, 3 मिनट का या फिर 10 मिनट का वीडियो के लिए आप सॉन्ग फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे सिंपली आप टाइम भी मतलब डाल के आप म्यूजिक भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली गाइज मेरा पर्सनल फेवरेट दोनों ही म्यूजिक है, एक है क्रॉकफर्ट और उसके बाद क्रिम्सन फ्लाई, दोनों ही फ्री में मिल जाता है। और इंडिया का बहुत बड़े बड़े टॉप क्रिएटर्स इस दोनों म्यूजिक को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो चलिए फिर गाइज मैं एक म्यूजिक सर्च करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो मान लीजिए मेरा फेवरेट जो है क्रॉकपॉट, उसको सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, क्रॉकपॉट। और जैसे ही ये सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक ही म्यूजिक है वो आ चुका है। और गाइज इसको आप प्ले करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा राइट में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले एक लाइसेंस टाइप, यहाँ पे अगर YouTube का लोगो के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी लाइसेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर फ्री टू यूज़ दिस ऑडियो ट्रैक इन एनी ऑफ योर वीडियोज इंक्लूडिंग वीडियोज दैट यू आर मोनिटाइज। इसका मतलब गाइज ये हो जाएगा कि अपना कोई भी प्रोजेक्ट में इसको आप यूज कर सकते हैं। और उसके बाद नो अट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी लिंक या फिर कोई भी क्रेडिट अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है YouTube मे क्रेडिट द आर्टिस्ट एंड लिंक द ऑडियो लाइब्रेरी फ्रॉम योर वीडियो, और ये बोलना चाहता है कि YouTube उस मतलब क्रिएटर को क्रेडिट दे सकता है बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर लिखा हुआ है तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है।
दोस्तों लास्ट में यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा बड़ा आसानी से, इसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने डिवाइस पे स्टोर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस लास्ट में आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, यूट्यूब पे एक चैनल है NCS यानी कि नो कॉपीराइट साउंड्स, इस चैनल को आप सर्च करके एक बार विजिट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि बहुत सारे मतलब हाई क्वालिटी का म्यूजिक वहाँ भी मिलता है, आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, आई होप गाइस इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि अपने वीडियोज़ के लिए फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से फाइंड आउट करें। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। तो फिर गाइस मिलता हूँ किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।